अल्लाह सुबहानहू व तआला जी बारगाहे समदियत में हम्द ऐं बारगाहे रिसालत माब में दुरूद व सलाम अकीदत ऐं एहतराम सां अर्ज करण खां बाद जुमला हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह सुबहानहु व तआला जा करोड़े एहसान रब करीम ही बाबरकत ॾींहुं नसीब कयो आहे। हिन बाबरकत निशिस्त में असांखे घुरायो आहे। रब करीम असांजी हाज़िरी पंहिंजी बारगाह में क़बूल फ़रमाए। अजोकी हिन पुरवक़ार निशिस्त में जंहिं उनवान ते गुफ़्तगु करण जे लाइ बंदाए नाचीज़ हाज़िर थियो आहे, उहो उनवान इहो आहे, उहो टाइटल इहो आहे त असांजो करीम नबी, अल्लाह जो महबूब नबी, आमिना जो लाल, काइनात जो सरदार आहे। समूरी इंसानियत जे तरफ़ अल्लाह सुबहानहू व तआला संदसि जी ज़ाते वाला खे रहमत बणाए मोकिलियो। संदसि जी ज़ात जे मथां ईमान आणण वारनि जे लाइ ऐं ईमान न आणण वारनि जे लाइ संदसि जी ज़ाते वाला हिकु अज़ीम रहनुमा ऐं रोल मॉडल जी हैसियत रखे थी। ऐं जेको बि तअसुब जी निगाह खां हटी करे संदसि जी सीरत, संदसि जे किरदार, संदसि जी तारीख़, अख़लाक़ियात ऐं ज़िंदगीअ जी रहणी कहणीअ खे पढ़ंदो त इहो इक़रार ऐं तस्दीक करण खां सवाइ न रही सघंदो त करीम नबी सलाहु वसलम काइनात जो सरदार आहे। काइनात में न संदसि जहिड़ो को रहनुमा आहे, न संदसि जहिड़ो को रहबर आहे, न संदसि जहिड़ो को लीडर आहे। हर शोबे में, ज़िंदगीअ जे हर मरहले में संदसि जी ज़ात पूरी इंसानियत जे लाइ उसवाए हसन आहे, बहितरीन रोल मॉडल आहे। संदसि जी ज़ात अल्लाह सुबहानहू व तआला अख़लाक़ियात में, अॻुवाणीअ जे ख़ूबियुनि में, लीडरशिप जी करेक्टरिस्टिक्स में संदसि जी ज़ात वाला खे अल्लाह उहो दर्जो अता फ़रमायो आहे जो सुबुह क़यामत ताईं हर इंसान संदसि जी तारीख़ मां, संदसि जे किरदार मां रोशनी हासिलु कंदो रहंदो। अॼु तव्हां असां ॾिठो हूंदो त कुझु दीन बेज़ार माण्हू, दीन खां गाफ़िल माण्हू तव्हांखे इहो चवंदे नज़र ईंदा त मज़हब खां इंसान मथे आहे, इंसानियत मथे आहे। असां कंहिं मज़हब खे न आहियूं मञींदा, इंसानियत खे मञींदा आहियूं। इहो उन्हनि जो चवणु निली जिहालत आहे, चाहे निली जिहालत आहे। उन्हनि जो सिर्फ़ु दीन इस्लाम सां तासुब आहे। जॾहिं त इंसानियत को मज़हब न आहे, इंसानियत को मज़हब न आहे। हिकु तरफ़ इंसान आहे, ॿिए तरफ़ उन इंसान जी इंसानियत आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो, इनखे सम्झण लाइ खां पहिरियों हिकिड़ी मिसाल सम्झो। हिकिड़ो मज़लूम हुजे, को ज़ख़्मी माण्हू रस्ते ते बीठो आहे जंहिंखे उञ लॻी आहे, ऐं भिकमो कंहिं माण्हू जो गुज़र थिए थो, उहो उन खां पाणी घुरे थो। जॾहिं उहो उन सख़्तु दिलीअ जो मुज़ाहिरो कंदे उनखे पाणी न ॾींदो आहे, उतां गुज़री वेंदो, उनजी मदद न कंदो, पोइ असां छा चवंदा आहियूं त यार हिन में इंसानियत त आहे ई कोन। छा इंसानियत त हिन में आहे ई कोन। ॿियो मुफ़लिस आहे, को ग़रीब आहे, उनखे लटे जी ज़रूरत आहे, उजे जी ज़रूरत आहे, ऐं पाड़े वारो अमीर आहे, उन वटि पंहिंजी हैसियत खां मथे उन वटि मालो दौलत आहे। अगरि उहो उनजी मदद नथो करे त उहो चवण वारो, ॾिसण वारो चवंदो आहे त यार हिन जे अंदरि इंसानियत नाहे, चाहे इंसानियत नाहे। इहो छो चवंदा आहियूं? इहो इन जे करे चवंदा आहियूं त इंसान, हर इंसान माण्हू आहे, इंसान आहे।
पर उन इंसान जो कुछ खूबियूं हन चाहेने खूबियूं हन उन जो किरदार आ उन जो चंगियूं आदतूं हन चंगियूं खसलतूं हन रहमदिली हुजे वफादारी हुजे ईसार हुजे कुर्बानी हुजे ये इंसान ना जो खूबियूं हन जेके असा इंसानियत चवंदा आयूं पर जे अंदर या शय हुंदियूं हन ये खूबियूं हुंदियूं हन इंसान जो किरदार बुलंद हुंदो आ पोइ असां चवंदा यार इन जे अंदर इंसानियत आहे छा इंसानियत आहे मालूम थियो इंसानियत इंसान जे अखलाकियात जो नालो आ इंसानियत इंसान जे किरदार जो नालो आ इंसानियत इंसान जे उन खूबियुनि जो नालो आ जेके इंसान जे ज़ात जे लायक कन उहा रहमदिली हुजे वफ़ादारी हुजे ईसार हुजे कुर्बानी हुजे उहो सब्र ऐं तहमुल हुजे इज़्ज़ो इंकिसारी हुजे इहे ख़सलतूं हुन इंसान जे अंदरि हूंदियूं आहिनि पोइ असां चवंदा आहियूं त हिन इंसान जे अंदरि मुकमल इंसानियत आहे जॾहिं इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई त इंसानियत को मज़हब न आहे इंसानियत अख़लाकियात जो नालो आहे इंसानियत सीरत ऐं किरदार जो नालो आहे जे अगरि इंसानियत सीरत ऐं किरदार जो नालो आहे जे इंसानियत इंसान जे अख़लाक़ ऐं किरदार जो नालो आहे त मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात काइनात में अख़लाक में किरदार में आदात में सीरत में ज़िंदगीअ जे हर पहलूअ में समूरी इंसानियत जे लाइ मशअले राह आहे सुभान अल्लाह ऐं सिर्फ़ु इहो मुंहिंजो दावो न आहे अॼु असां वटि इहा शइ बार बार बावर कराई वेंदी आहे त साईं ॾिसो मग़रिब वारनि केतिरी तरक़ी कई मग़रिब वारनि किथे पुॻा आहिनि हक़ीक़त इहा आहे जॾहिं मग़रिब जे प्रोफेसर खे उन्हनि जा जेके साइंटिस्ट आहिनि जेके उन जा हिस्टोरियन आहिनि जेके उन जा तारीख़दान आहिनि जेके सीरत निगार आहिनि जेके कालम निगार आहिनि जेके फिलासफर आहिनि तव्हां उन्हनि खे पढ़ो उन्हनि मज़ा हर हिकु हर इंसान खे जाचींदे जाचींदे इन नुक़्ते ते ज़रूरु पुॻो आहे त काइनात में अगरि का शख़्सियत मज़हबी दुनियावी हर तरह सां फाते आहे त उहा मुस्तफ़ा करीम जी ज़ात आहे ऐं अरबीअ में मक़ूलो बि आहे अल फ़ज़लु मा शहीदत बिहि लादा नेकी उहा हूंदी आहे जंहिंजा दुश्मन बि गवाही ॾियनि जंहिंजा मुखालिफ़ बि गवाही ॾियनि ऐं मुस्तफ़ा करीम जी ज़ात इहा आहे उहा अज़ीम ज़ात आहे जो पंहिंजनि त पंहिंजनि परावनि ऐं गैरनि बि गवाही ॾिनी त महबूब जहिड़ी ज़ात न ॼाई आहे न ॼमंदी अल्ला सुभान हू ताला क़ुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इन ई हक़ीक़त तां परदो हटाईंदे रब करीम जल मजदूर ऐलान फरमायो अल्लदीन आतैनाहुम अल-किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम असां जंहिंखे किताब अता कया आहिनि उहे यहूदी हुजनि नसरानी हुजनि उहे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ाते वाला खे सनस जे किरदार खे सनस जी हक़ानियत खे सनस जी सदाकत खे सनस जी अदालत खे सनस जी ज़ाते वाला खे ईअं सुञाणींदा आहिनि जीअं सकनि पुटनि खे सुञाणींदा यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम उहे महबूब जी ज़ात खे सुञाणनि था महबूब हक़ ते आहिनि महबूब काइनात जा अज़ीम शख़्सियत आहिनि उहो नबूवत हुजे रिसालत हुजे सेक्युलर दुनिया जी हुजे ज़िंदगीअ जे हर शोबे में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात बरहक़ आहे मञनि छो नथा सिर्फ़ु मज़हबी इनाद ते करे ज़ाती नफ़रत ते करे उन्हनि इस्लाम न आंदो वरना महबूब जी सीरत हुजे किरदारु हुजे हक़ानियत हुजे सदाकत हुजे उन वक़्त बि उन्हनि मुस्तफ़ा करीम जी हक़ानियत खे तस्लीम कयो जेके साम्हूं महबूब जे घर जा दुश्मन हुआ अबू लहब जॾहिं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन प्रीचिंग शुरू कई ओपनली जॾहिं वाज़े नमूने सां खुलेआम तबलीग शुरू कई उन वक़्तु महबूब पहाड़ ते तशरीफ़ फरमा थिया ऐं उन्हनि खे पुछा कई जेकॾहिं अगरि मां चवां त हिन पहाड़ जे पोयां हिकु जथो आहे हिकु टोलो आहे जेको तव्हांजे मथां हमलावर थियण वारो आहे जेको तव्हांजे मथां हमिलो करण वारो आहे तव्हांखे नेस्तो नाबूद करण वारो आहे उहो फोर्स सां गॾु आहे उन सां मिलिट्री आहे तव्हांखे अटैक करण वारो आहे त छा तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ते यकीन कंदव उन्हनि सभिनी मके जे कुरेश वारनि सभिनी चयो हा हा तव्हां त सादिक ऐं अमीन आहियो छा तव्हां सादिक ऐं अमीन आहियो महबूब पंहिंजे मज़हब जी दावत जो महबूब खे हुकुम थी चुको आहे महबूब 40 साल मके जी ज़िंदगीअ में अहिड़नि बुलंद अख़लाकनि सां गुज़ारिया आहिनि जो उहे दुश्मन बि इहो चवण ते मजबूर थिया त महबूब नबी तव्हां सादिक ऐं अमीन आहियो
तमा जेड़ो सच्चो ए अमानतदार त कोई आहे ही कोन। अबू लहब का वठी अबू जहल का वठी अज दी ताई जेको भी तासुब जी निगाह का हटाए ऐनक हटाए महबूब जी जात के दिस दो वो इयो जरूर तस्लीम कदो त महबूब जी जात जेही जात दुनिया के अंदर आहे ही कोन। ही कुछ हवाला जेके वेस्टर्न फिलोसोफर्स जान साइंटिस्ट जान जिन जड़े मुस्तफा करीम की तारीख के दिठो महबूब की जिंदगी के दिठो तो एक महबूब की जात 63 साल में दुनिया के अंदर वह तरक्की कई जो कायनात जो कोई फाते दुनिया जो कोई तारीख जो कोई अजीम मानू संदस की जात जो मिसाल न तो बनी सके उन्हें भी जुबान से इकरार कर किताबन में लिखी छो तो महबूब की जात जड़ो कें का जात ही को हवाला तो खोड़ आन सब का पे हवालो माइकल एच हार्ट अंग्रेजा माइकल एच हार्ट अंग्रेजा जो एस्ट्रोनॉमी जो माहिर फलकियात जो माहिर उनवा फिजिक्स जो एक्सपर्ट वो पाजे किताब के अंदर उन किताब लिखो द 100 अ रैंकिंग ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री यो न्यूयॉर्क के अंदर 1978 में किताब छपो संद पेज नंबर 33 से 33 नंबर पेज से उन यह गाल जिक्र कई तो तमाम मैं किताब लिखा तो दी 100 सौ दुनिया जो उ हस्यू उ शख्सियतू जेके मोस्ट सक्सेसफुल हन जेके सब का वधीक कामयाब आहिन मां उन्हें जी रैंकिंग शुरू कई मां गणन शुरू कियो जड़े सभी के पढ़ते पढ़ते संदस की हिस्ट्री पढ़ी उन्हें जी तारीख पढ़ी उन्हें जी जिद्दोजहद पढ़ी उन्हें जी जिंदगी जो स्ट्रगल्स पढ़ियों तो मां सब का वधीक जे जात मां मुतासिर थियुआ मुस्तफा करीम जी जात पण लिखिंदा माय चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस मे सरप्राइज सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चन बाय अदर्स पा ये जिक्र कंदा माइकल एच हार्ट मां जेका ये तरतीब दिनी आ शायद थी सके तो मुझा ईसाई या यहूदी भी नाराज थन उनके ताज्जुब थे मां उन जे दीन जो पेरोकार ना आ मां संदस जे इस्लाम जी तरफ कन्वर्ट ना आ जो इस्लाम कबूल ना है कयो यो ताज्जुब थी सके तो कोई मुखा सवाल करे सके तो लेकिन चवन था माइकल एच जिक्र करे तो बट ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल पाण ही चवे माइकल एच हार्ट चवे तो जैसे मां सभी की हिस्ट्री पढ़ी सभी के दिठो उ दुनिया जो 100 अजीम शख्सियतू उन्हें सीरत दिठी उनको किरदार दिठो जिंदगी जो स्ट्रगल दिठ जिद्दोजहद दिठू उन्हें जिंदगी की रहनी कहानी दिठी अखलाकियात किरदार दिठो उन्हें अंदर सीरत दिठी उन्हें इंसान जात के मां दिठो तो सब का वधीक कामयाब शख्सियत सब का वधीक सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन द बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल बिनी बुनियाद ते जेका मुके सब का वधीक कामयाब शख्सियत नजर आई वो आमिना जो लाल इकेरा ई मगरिब जो साइंटिस्ट आ ई मगरिब जो फिजिक्स जो एक्सपर्ट आ एस्ट्रोनॉमी जो एक्सपर्ट आ फलकियात जो माहिर आ वो जिक्र करे तो मां तरतीब बनिया तो जने तरतीब बनी सब का वधीक दुनियावी लेवल ते मजहबी लेवल ते रूहानी लेवल ते अखलाकियात में किरदार में सीरत में जेका जात मुके सब का वधीक सक्सेसफुल नजर आई कामयाब नजर आई फाते नजर आई वह मोहम्मद करीम की जात माइकल एच हार्ट अड़ा सवे हवाला हन बो अचूँ था बो विलियम मंटगमरी वाट 1909 सदी जो हि एडिनबरा यूनिवर्सिटी में अरबी ए उलूम इस्लामिया जो माहिर इन जैसे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पढ़ो चो सुभान अल्लाह महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जैसे इन पढ़ो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद के पढ़ो ये जिक्र करे तो जैसे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां सीरत के दिठो किरदार के दिठो उनकी जिद्दोजहद के दिठो उनकी जिंदगी के पढ़ो सिर्फ उम्र 63 साल घड़ी उम्र 63 साल 40 साल नबूवत का पेरो सिर्फ अखलाकियात की तकमील थी रही 40 का बाद कुल 23 साल हन जेके ओपनली प्रीचिंग कई आ महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेका खुलेआम तबलीग कई आ कुल 23 साल आ घड़ी
टेवी साल इन महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के दिठो उन जिदोजहद के दिठो उन समूर महबूब जो वसफू जिक्र कर महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे सीरत के दिठो उन किरदार के दिठो उन थोड़े अरसे में दुनिया के टिन बड़े आजम के फतह के दिठो उन अखलाकियात के दिठो जिनका आम गुलाम भी खुले आम सवाल कंदा हा जिनकी मुमलिकत बादशाहत के दिठो उन वक्त महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी किरदार के दुनिया के शख्सियतों के किरदार के दिठो तो कायनात की अजीम शख्सियत के मुहम्मद की जात नजर आई। उन जिक्र कन था नो वन ऑफ द ग्रेट फिगर्स ऑफ हिस्ट्री इज सो पुअरली अप्रिशिएटेड इन द वेस्ट इज मुहम्मद यू काबिले कदर जुमलो वेस्टर्न जो फिलासॉफर्सन साइंटिस्टन उनके गिरेबान में हथ विझी करे उनको पुछा करे तो चाहे इन शख्सियत जड़ी का शख्सियत है चाहे इनकी जात जड़ी का जात है इनके किरदार जड़ो को किरदार है तो साजे करे तमाम मगरिब में सब का वधीक उनकी जात के जिक्र कियो था। हकीकत यह है हर वस्फ में हर कमाल में हर खूबी में हर खसलत में मुहम्मद की जात सब का बुलंद बाला है। ही विलियम मंटेक मरी वाट 1909 उन अल्फोंस डी ला मार्टिन 1879 का 1790 तक इन पीरियड आ हि फ्रांसीसी शायर भी सियासतदान भी आ जै इन महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के जिक्र कर महबूब की सीरत के पढ़ो इन लफ्ज़ दिसो एक ही वक्त जै महबूब की जात सीरत के पढ़ी जै निचोड़ करे तो चवे तो फिलासॉफर फलसफी भी हुआ एक लफ्ज़ काबिले कदर आई तसा चूं तो समझ में अचे तो असा पेरोकार संदस ईमान आंदो शख्सियतून ये उ मून जिन महबूब की जात से ईमान को आंदो लेकिन महबूब की सीरत में एतरो मुतासर जो पैंजन के छे मुस्तफा करीम की तारीफ कर महबूब के लिए रब फरमाइश यारिफून हुकमा यारिफून अब ना हूं हाँ महबूब की जात के असा सीरत किरदार में दर्जे से पुजाए छो जो सजण त सजण दुश्मन महबूब के सुणींदा वो जिक्र करे तो फिलासॉफर फलसफी भी हा ओरेटर खतीब भी हा फलसफी एला सदा जे फलसफे जे सामो दुनिया जो फलसफो बेकार ओरेटर खतीब एला जो बिहन त करोड़न मानन जी दिलन के मुरझाए विजन मोहे विजन एड़ा खतीब हा अपोस्टल जे रिसालत दी गाल कजे उन जेड़ो को रसूल कोने को लेजिस्लेटर कानून सास भी हा ए कानून एड़ो तखलीक कयो एड़ो ता कानून दुनिया के अंदर पेश कियो जिते उए मानू जेके हबशा का आया हा जेके फारस का आया हा बगैर के तफरीक जे बगैर के फर्क जे सब जरे सफ में बीहंदा हा ता अमीर गरीब जो को तसव्वुर ही को न हुंदो हो एड़ा लेजिस्लेटर हा सन जो का कानून दुनिया जो कामयाब तरीन कानून आ अगते लिखिन था अकली अकायद के बहाल करने वाला महबूब के अकायद जिक्र फरमाया महबूब के नजरियात दिना उन नजरियात जड़ो कें जो को नजरियो ना है उन बाद महबूब के फतह जो जिक्र किया महबूब के फतह जो जिक्र किया जिक्र कंदा तो महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी लेवल ते अगर फतह करण ते अचन तो टिन बर आजम ते संदस जे गुलामन फतह कई उन्हें एड़ी तो फौज तैयार कई जैसे आदो दुश्मन जो को भो को हो जानन का नजराना तिरंते कई घुमाइंदा हा एड़ो फाते हो एड़ो नजरियात जो हामिल हो एड़ी जात हुई जे रूहानी दुनिया ते दिस जे तो संदस जेड़ो रूहानी को उस्ताद को आखिर में जैसे सब जो वसफ जिक्र क्यों महबूब जो आखिर फरमाए दैट इज मुहम्मद हाँ हाँ या जात आ मुस्तफा करीम की जात उन पाँजन का सवाल किया एंड वी मे विल आस्क इज देयर एनी मैन ग्रेटर देन ही मुखे बुधायो सनद जी कानून साजी के दिसो सनद जी सीरत किरदार के दिसो सनद जी जंग बंदी के दिसो सनद जी तबलीग के दिसो ट्रेवियन साल के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम जो पैगाम पहुंचाने वाली जात के दिसो बुधायो तो कायनात में उन जेड़ी के जी जात आहे सुभान अल्लाह ये क्वेश्चन है एको आम मानू ना है ही अल्फोंस डी लामार्टिन फ्रांसीसी फ्रेंच जो आप उतों जो शायर भी आप सियासतदान भी आप वो जिक्र करे तो एक क्वेश्चनिंग करे तो पाए जन का बुधायो एड़ी जात
अड़ी शख्सियत अड़ी पर्सनैलिटी जैसे सदस जो कानून दिसो सदस जी सीरत दिसो सदस जो किरदार दिसो उन जेड़ी जात का तमा के नजर अचे थी मुखे तो सिर्फ मुस्तफा करीम की जात ही नजर आ उने का बाद त्रियो हवालो टाइम भी घणो थी वियो आ महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल एडवर्ड गिबन 1770 का 1794 ही बरतानिया जो आ कथों जो आ बरतानिया जो आ महबूब के मुख्तसर इन के जिक्र क्या तो जो उन काबिले कदर जुमला जी तुम असान ईमान के ताज़ो कन जिक्र क्या तो इतने एक जहन में एक ख्याल हों इस्लाम तलवार के जोर से पुगो आ कि तवा असा न ये मगरब वा गवाही दियन था तो इस्लाम तलवार न सीरत के बुनियाद मशहूर थो अज अगर दुनिया में सब का वधीक बिगेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड अगर को मजहब वो इस्लाम आ इस्लाम अगर कुंड कुर्स में पुगो आ तलवार के जोर से न पुगो आ प्यार मोहब्बत के जोर से पुगो आ यो एडवर्ड गिबन जिक्र करे तो द ग्रेटेस्ट सक्सेस महबूब की समूरी सीरत के पढ़े 313 जो हजार से मुकाबलो भी पढ़े हजार जो लख से मुकाबलो भी पढ़े महबूब की सीरत भी पढ़े महबूब की कानून साजी भी पढ़े महबूब जो किरदार भी पढ़े लेकिन जो नतीजो न कढ़ो वो नतीजो तुम्हारे ईमान के ताजो करो वो नतीजो छो जिक्र करे चो द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ मोहम्मद्स लाइफ वॉज इफेक्टेड बाय शीयर मोरल फोर्स विदाउट ए स्ट्रोक ऑफ स्वॉर्ड महबूब अगर दुनिया के मुहे विधो आ दुनिया महबूब के जात की परवानी आ महबूब के दीन से कलमो आन वाली आ दुनिया अगर स्पीडली इस्लाम की तरफ कन्वर्ट थे थी तो इन जो सिर्फ एक महबूब की आला सीरत किरदार आ विदाउट स्ट्रोक ऑफ स्वॉर्ड तलवार के जोर का सवा महबूब पाजे सीरत की बुनियाद से उन दुनिया वारन के इस्लाम कबूल करने से मजबूर किया उवे हवाला हन इन सा गड आखिरी पैगाम भी आ दिसो ही मगरब वारा हन जेके तवा असा के बुधाइन था त दुनिया के अंदर दुनियावी ए रूहानी बुनियाद ते अगर का शख्सियत सक्सेसफुल आ जेका इन्फ्लुएंशियल आ सब का मुतासिर कुन आ उहा मुस्तफा करीम की जात आ ये ऐलान जिते असाजे ईमान के तसली भी दियन था उते तवा असा के हिकड़ो असाजे गिरेबान के पकड़े असा का सवाल भी कन था उड़ा सू सवाल आ तो महबूब के महबूब जहाँ तमाम पैरोकार भी हो महबूब जो कलमो भी पढ़ो था लेकिन तमाम पाँची जिंदगी में महबूब की सीरत के केतरो टाइम दिनो आ जैसे मैं यहाँ संदस की हिस्ट्री महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉन मुस्लिम्स जो जो सेंस एंड कोर्ट्स पढ़ा पो हकीकत यहाँ कंद शर्म का झुकी पवे पो तसो असा मोबाइल हलण के लिए टाइम आ असा लाइ असा नावल पढ़ने के लिए टाइम आ गजानी गैदरिंग करण के लिए टाइम आ दोस्तों से उठन बेहन लाइ टाइम आ घरेलू मामलात के लिए टाइम आ उनको अलावा खोड़ दुनिया जहाँ अड़ा कम जो को नतीजा खेस ना जो को दुनियावी उखरवी फायदो ना उनमें टाइम सर्फ क्यों था ना पढ़ू तो महबूब की सीरत ना पढ़ो ये मगरब जहा ऐलान ये ऐसो बिला तशबी व तमसील केंजो को प्यारो पुट हो सुठो किरदार जो मालिक भी हुए सुठी सीरत वो भी हुए पाड़े वो अची तो बुधाए तो हि तुझो पुट आ तो यह शर्म जड़ी गाल ना एक मजमू में बी कर छो तो यार पुट तुझो आ तो सब का सुणप भी तो हो बो अची बहरिया मू बुधन तो तुझो पुट एतरो सीरत जो सुठो आ किरदार जो सुठो आ हि तुझो पुट आ तो अची बुधन या शर्म जड़ी गाल बिला तशबी व तमसील महबूब असो सुभान अल्लाह नबी असो ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चई महबूब की रिसालत ते नबूवत ते ईमान असो असो आ महबूब असो आ नबी असो आ असो फख्र जो कंद फख्र से बुलंद थी वे तो जैसे महबूब की जात के दिसूँ था मगरब जहाँ ऐलान बुदूँ था लेकिन गड़ो गड कंद शर्म से इन के झुके तो अस ना टाइम तो महबूब की सीरत पढ़ने टाइम ना ये केतरा मानू वेठा सभी को पुछा क्या महबूब की औलाद केतरी हुई तो शायद वरले को जवाब दे महबूब की उम्र केतरी हुई शायद को जवाब दे महबूब जहाँ अखलाकियात कड़ा शायद को जवाब दे मियाँ यहाँ गफलत असानी लायक अफसोस आबिल अफसोस आ जिंदगी अगर मिली आ महबूब से कलमो पढ़ो आ त
तो कम अज़ कम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुजाना पहुंचे। दुनिया में अगर कें जो को महबूब हूँ नबी सही सबरी जो महबूब आए ना ही महबूब आए तो बुलंद कर चो सुबहान अल्लाह नबी असा जो महबूब आ ना उन्हें जड़ी का जात ना है। ये मगरिब जा ऐलान भी तां बुदा कुरान जा फरमान भी तमा के बुदाया लेकिन दुनिया में अगर कैसा को मोहब्बत कंदवा तो उन्हें पल पल जी उनके खबर होंगी उनके ताल्लुकात की खबर होंगी उनके सीरत किरदार की उनकी खबर होंगी उनके कमन कारण की खबर होंगी असा अलाए केड़ा महबूब आयो असा केड़ा मुहिब आयो असो दावो अलाए केड़ो आ महबूब से मोहब्बत जा दावा भी क्यों था महबूब के सीरत का भी गाफिल आयो। अल्लाह अकबर तवें असा के अजोकी गुफ्तगुओ जो आखिरी पैगाम यो आ पान भी महबूब की सीरत के पढ़ू न फकत पढ़ू बल्कि सीरत के अपनायूं पान भी पढ़ू बच्चन के विहारे महबूब की सीरत बुदायूं तो महबूब की सीरत इहा हुई वडन जो कि अदब कंदा हा नंडन सा कि पेश इंदा हा नंडन दे ला शाह फरमायो घर जो माहौल कि रखनो आ हर जिंदगी के हर पहलू ते जिंदगी के हर पहलू ते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा दर्स पिया हन महबूब जा फरमान हन अगर अस उन फरमान ते अमल क्यों असा जी दुनिया ही जन्नत बणजी वेंदी। अल्लाह पाक तमाय असा के अमल खणी तौफीक अता फरमाए नफ्सी मानवी गलती माफ फरमाए।